सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल शर्मा जी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए, जैसे मैंने आपको कहा कि कैसे अपलोड करें सॉन्ग जो कि पीएचपी वेबसाइट पे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपने साइट का नाम डालिए, जैसे pavanhits.com। अब स्लैश लगाने के बाद स्लैश आपको देखना, जैसे बटा की तरह रहता है स्लैश, तो स्लैश लगाने के बाद आपको लिखना है इसमें जो लिख रहे हैं। अब ये लिखने के बाद आपको करना है इंटर कीजिए, और बगल में न्यू टैब में एक जैसे न्यू टैब यहाँ जाता है, तो न्यू टैब में भी आप एक अपना साइट खोल लीजिए, जैसे कि ऐसे खुला हुआ है तो ऐसे ही खोल लीजिए आप भी। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए आपको गाना अपलोड करना है, तो सबसे पहले आप जाएंगे फाइल मैनेजर में, क्लिक कीजिए फाइल मैनेजर पे। अब यहाँ पे किस फोल्डर में अपलोड करना है आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको किस फोल्डर में अपलोड करना है, भोजपुरी एल्बम सॉन्ग में अपलोड करना है, या नवरात्रि या पितृ सॉन्ग में अपलोड करना है, या फिर आपको डीजे रिमिक्सर जॉन में अपलोड करना है। तो जैसे मान लीजिए हमें डीजे रिमिक्सर जॉन ए में अपलोड करना है कोई डीजे गाना, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब अपलोड करना है कि भोजपुरी गाना है या हिंदी गाना है, तो भोजपुरी गाना हमारे पास है तो भोजपुरी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे भोजपुरी क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको देखिएगा आपको अपलोड फाइल, यहाँ पे देख सकते हैं आप अपलोड फाइल पे क्लिक कीजिए। अपलोड फाइल क्लिक करने के बाद आएंगे यहाँ पे नेम, तो पहले गाना सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, जो भी गाना हो आपका गाना सेलेक्ट कीजिए। जैसे हमारे पास गाना है ये रितेश पांडे का गाना है, तो पहले इसका नेम हम कॉपी कर लेंगे, रीनेम करके कॉपी कर लीजिए यहाँ से कंट्रोल सी। अब इस पर दो बार क्लिक कर दीजिए, हो गया दो बार क्लिक। अब यहाँ पूछ रहा है नेम, तो कंट्रोल वी करके लिख दीजिए, जैसे गाने का नाम है तो हाँ रितेश पांडे। अब लास्ट में आपको .mp3 लगाना कंपलसरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो ये जो अपनी भाषा में समझ नहीं पाएगा कि ये MP3 है या फोटो है या वीडियो है, कुछ भी जो भी है नहीं समझ पाएगा। जब तक आप .mp3 एक्सटेंशन लगाएंगे नहीं, तब तक ये आपका गाना वर्क नहीं करेगा। अब तीसरे नंबर पे आ रहा है URL में कुछ नहीं डालना है, URL छोड़ देना है। अब आइकॉन पे चलिए, जैसे कि आइकॉन ये होता है मतलब गाने पे कौन सा फोटो या कौन सा पिक्चर दिखाई दे आपको, तो आइकॉन सेलेक्ट कीजिए चूज फाइल में, जैसे हमारे पास आइकॉन यहाँ पे रखा हुआ है ये है, तो इसको दो बार क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। अब मांग रहा है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में नेम कॉपी करके कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अब डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए फ्री डाउनलोड, कंट्रोल भी फ्री डाउनलोड ये जो गाना है। तो अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, हो गया 4 स्टेप अपलोड, अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। अब नीचे आप देख सकते हैं आप ये अपलोडिंग का स्पीड जो भी है दिखा रहा है आगे, तो अपलोड होने तो थोड़ा वेट कीजिए। तो अब हम देख सकते हैं हमारा सॉन्ग जो है कि अपलोड होने वाला है, और होते होते अपलोड हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो गाने का नाम है यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे मान लीजिए डीजे रिमिक्सर जॉन ए में हमने फाइल डाला है, तो डीजे रिमिक्सर जॉन ए में खोल के भोजपुरी कैटेगरी में फाइल डाला है, तो भोजपुरी डीजे सॉन्ग में आ जाएंगे। और ये है हमारा गाना जो हमने अपलोड किया है, ये 4 MB 280 KB का है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमको लेटेस्ट अपडेट में लगाना है, जैसे लेटेस्ट अपडेट इसे कहते हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट नीचे रखा हुआ है, इसे हम लेटेस्ट अपडेट कहते हैं। जो भी गाना अभी रिसेंटली में ही आपके साइट पे डाला गया हो या अपडेट किया गया उसे लेटेस्ट अपडेट कहेंगे। तो अब यहाँ कैसे डालेंगे, तो आ जाइए अपलोड फाइल, तो आ जाइए बैक आ जाइए अपडेट्स मैनेजर, अपडेट्स मैनेजर पे क्लिक कीजिए। अब ये दे रहा है इतने सारे अपडेट्स मैनेजर को यहाँ पे, अब क्लिक करेंगे ऐड न्यू अपडेट प्लस, तो क्लिक कीजिए इस पर। अब आपको देगा 3 ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर, मतलब कंट्रोल ए कंट्रोल सी करना है बस आपको। तो जैसे मान लीजिए हमको अगर ये अच्छा लग रहा है तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेंगे,
अब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, क्लिक एंड ड्रैग करके और कंट्रोल भी। अब यहाँ पे दे रहा है जैसे जो भी डीजे बनाए हो, तो जैसे डीजे विशाल बनाए तो डीजे विशाल। अब योर नेम मतलब जो भी डीजे बनाए हो, तो यहाँ एक बार और आपका नाम पड़ेगा डीजे विशाल, मतलब गाना जो भी बनाए हो, जैसे अगर सिंगर हो तो सिंगर अपना नाम लिख सकते हैं, या डीजे रिमिक्सर तो डीजे रिमिक्सर अपना नाम लिख सकते हैं। अब योर फोल्डर नेम मतलब किस फोल्डर में वो अपलोड किया गया, तो डीजे रिमिक्सर जॉन में, डीजे रिमिक्सर जॉन ए। अब यहाँ पे नीचे आएंगे योर फाइल नेम, आपके जो गाना है जो भी फाइल आप डाले हुए हैं उसका क्या नाम है। तो जैसे मान लीजिए बगल में नया टैब खोले हुए हैं, तो इसको जहाँ पे है वो वहाँ पे जाके उसका नाम हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए गाने का नाम है ये, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से कंट्रोल सी। अब इसमें ला के यहाँ पे योर फाइल नेम, तो यहाँ पे कंट्रोल डी हो गया। अब आज ये बगल में जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, अब यहाँ लिख दीजिए बेस्ट डीजे सॉन्ग, यहाँ लिख दीजिए बेस्ट MP3 सॉन्ग या बेस्ट भोजपुरी सॉन्ग या जो भी हो। अब यहाँ पे डाल दीजिए मिक्स की जगह डैश डैश और योर साइट नेम, तो साइट का नेम डाल दीजिए जैसे pawanhits.com, ये साइट का नाम है। और यहाँ पर डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम अगर डालना डालिए तो जरूरी नहीं है कोई, छोड़ दीजिए इसको। और यहाँ पे आ जाइए कॉपी एंड पेस्ट योर URL, तो URL यही होता है, जैसे मान लीजिए गाने को जब डाउनलोड करने जाएंगे तो जो ऊपर रहता है यहाँ पे URL, तो इसी को URL कहते हैं। तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेंगे इसको भी, और यहाँ पे का क्या करेंगे ये यहाँ से लेकर यहाँ पे URL तक सेट करके कंट्रोल वी, ये हमारा लेटेस्ट अपडेट तैयार है। तो यहाँ पे करेंगे ऐड, अब यहाँ दे रहा है ऐड हो गया, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो गया। जैसे हमको देखना है तो यहाँ पे आ जाएंगे होम पे, देखिए यहाँ पे अपलोड हो चुका है, यही सॉन्ग हमने डाले हैं अभी लेटेस्ट अपडेट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है आपको फीचर्ड, तो फीचर्ड में ऑटोमेटिक आ जाएगा सॉन्ग, आपको डालने की जरूरत नहीं है उसमें, उसमें कुछ नहीं करना आपको। और एक जरूरी बात और है, कमिंग सून मतलब कमिंग सून आने वाला जो सॉन्ग है वो कौन सा रहेगा आपका। तो जैसे मान लीजिए ये डालना है, तो आइए सबसे पहले बैक आ जाइए, बैक बैक आने के बाद आपको कमिंग सून मैनेजर, तो उस पर क्लिक करना है और ये जो कोड दिया है इसको एडिट कीजिए। पहले एडिट करना नहीं है, लेकिन एडिट पे क्लिक करके इसको जो भी जितना भी कोड है कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लीजिए। और आ जाइए बैक, अब यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको क्लिक एंड ड्रैग कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा करके कंट्रोल वी। अब यहाँ पे आपको डालना है जैसे डिजिटिंग सजाने में है, अब आपको डालना है ये सॉन्ग जो भी गाने का नाम है, जैसे मान लीजिए गाने का नाम ये है, तो हम गाने का नाम डाल देंगे जो भी गाना रहेगा, जैसे हाँ यहाँ सेलेक्ट कर लिए। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डालेंगे डाटा MP3 का डालना आपको, डाटा MP3 कंट्रोल भी। अब यहाँ पे हो गया बस, और यहाँ पे लिंक डाल देना आपको, तो लिंक मैंने पहले ही बता चुका आपको, ये लिंक होता है जो भी डायरेक्ट सॉन्ग डाउनलोड करने के पेज पे लाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल भी, अब कर देंगे ऐड, ऐड कर दीजिए यहाँ पे। और ऐड करने के बाद जैसे देख लीजिए होम पे आएंगे हम, तो यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं तीन सॉन्ग हमारा कमिंग सून मैनेजर में आ गया है। तो यही बस प्रोसेस है, कुछ करना नहीं है। अगर आपको फोल्डर बनाना है, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं अलग से फोल्डर बनाना कोई कि सिंगर पवन सिंह यादव या जो भी हो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड फोल्डर पे। तो जैसे बना दिए फोल्डर सिंगर पवन सिंह यादव, अब डिस्क्रिप्शन में यही कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी। अब डिस्प्ले ऑर्डर, डिस्प्ले ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ऊपर दिखाया या नीचे दिखाया, मतलब किस सीरियल वाइज नंबर पर दिखाया। तो हमको चाहिए सबसे पहले नंबर पे, तो वन प्रेस करेंगे। अब ये देना पिक्चर इनसाइड, मतलब इसके अंदर कौन सा फोल्डर के अंदर कौन सा पिक्चर लगा रहेगा, तो पिक्चर भी हम नहीं डालेंगे, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अब यहाँ दे रखता है जैसे हम कोई भी जैसे फोल्डर देते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग न्यू 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 जो दिखाई दे रहा आपको, इसी को कहते हैं टैग। तो अगर न्यू की जगह अपडेट डालना तो अपडेट डाल दीजिए, या न्यू डालना तो न्यू डाल दीजिए, तो अपडेट डाल दे रहे हैं। अब यहाँ करेंगे ऐड, तो हमारा फोल्डर योर फोल्डर एडेड सक्सेसफुली फोल्डर बन चुका है। तो जैसे हम रिफ्रेश करके देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं सिंगर पवन सिंह यादव अपडेटेड, ठीक है यहाँ पे।
इसमें अभी इस समय कुछ कुछ है नहीं इसमें, तो इसलिए यहाँ पे जीरो दिखाई दे रहा है। तो अगर इसमें गाना आपको अपलोड करना है, गाना अपलोड करना चाहते हैं तो फाइल मैनेजर पे आइए, तो इस पर क्लिक कीजिए सिंगर पवन सिंह यादव पे। अब यहाँ पे जैसे अगर आपको एक और फोल्डर बनाना है कि नवरात्रि सॉन्ग, डीजे एम पी थ्री सॉन्ग जो भी हो, तो यहाँ से फिर फोल्डर बना के जैसे मान लीजिए नवरात्रि सॉन्ग है तो नवरात्रि सॉन्ग, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, डिस्क्रिप्शन में वही रहेगा, डिस्प्ले ऑर्डर वन रहेगा, चूज फाइल जो भी हो डाल दीजिए, अपडेट रहेगा ऐड कर दीजिए। अब जैसे बैक आके देख सकते हैं आप, जैसे फाइल मैनेजर, फिर सिंगर पवन सिंह यादव, फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। अगर फोल्डर में अपलोड करना है तो वही प्रोसेस होगा, क्लिक करने के बाद फोल्डर पे यहाँ पे अपलोड फाइल, और जो जो प्रोसेस दिया है नेम डाल दीजिएगा सबसे पहले सिलेक्ट करके फाइल, उसके बाद नेम डाल दीजिए, और डाट एम पी थ्री लगाना सबसे नेसेसरी है लास्ट में, डाट एम पी थ्री, और वीडियो है तो डाट एम पी फोर ये लगाना नेसेसरी है, और यू आर एल को छोड़ देना है। आइकन में जो भी फोटो आपके एम पी थ्री पे डिस्प्ले करे वहाँ से आइकन इसे चूज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड और नेम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इस पेज लेके। बस इतना सा वीडियो था, हो गया, धन्यवाद।